तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। तो सर आज की जो भी मैं अपडेट्स आपको सारे अपडेट्स एक वीडियो में देना चाहता हूं। देखिए अभी तक की जो भी अपडेट्स आई हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ की यहां पर आप लोगों को ही पता है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है 10वीं का। और इसमें एक बात का बिल्कुल ख्याल रखा गया है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। जो बच्चे फेल भी किए हैं उनको भी यहाँ पर पासिंग मार्क्स दे के बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहद अच्छी बात है, बिकॉज़ अगर मान के चलिए एग्ज़ाम कैंसिल भी होते हैं तो बच्चा आप कोई बच्चा फेल नहीं करेगा इसमें, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि देखिए बिल्कुल इसमें बहुत साल लग चुके हैं और मतलब कि 15 मंथ हो चुके हैं आप लोग के एग्जामिनेशन को। और अगर इसमें कोई बच्चा फेल करता है, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई, किसी का कुछ नेटवर्क इशू था उसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है अगर रिजल्ट इन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं कर लूँ कि आखिर खुशखबरी क्या है भाई, तो NIOS जो नॉन स्कूलिंग जो है ओपन स्कूल जो है, इसमें यहाँ पर आप लोग 10वीं के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। प्रमोशन मिला है भाई, तो बिल्कुल खुशखबरी है। बिकॉज क्योंकि इससे ये पता चल सकता है कि जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, समझ लीजिए जो NIOS है बिल्कुल वो भी एक स्टेट बोर्ड ऐसा ही है, तो अगर उसमें 10वीं बोर्ड यहाँ कैंसिल हुई है तो जाहिर सी बात है जितने भी स्टेट हैं वहाँ की भी 10वीं बोर्ड कैंसिल होगी। और मेरी एक और बात आप लोग सुन लीजिए, जो भी अभी तक अपडेशन आ रही थी कल की परसों यूपी बोर्ड 10वीं एग्जाम कैंसिल हुई है, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल और बिल्कुल अफवाह सर्कुलेट मत कीजिए। यूपी बोर्ड 10वीं की अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है बट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक और बात कहूँ CBSE को लेकर, तो CBSE की एग्ज़ाम कैसे कैंसिल हो सकती है? देखिए यहाँ पर एक और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम जो है 10वीं का वो भी डिले कर दिया गया है, 10 जून आई थिंक डिले कर दिया गया है, बिकॉज कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं और भी कुछ रीजंस हैं इसके वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम की जो रिजल्ट डेट है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की पाई है, अभी तक उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये एक संकेत है, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस हैं, मगर आप लोगों को पढ़ते रहना है। और दूसरी बात, जैसा कि देखिए अनुराग त्यागी सर भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बिकॉज पढ़ना बेहद ज़रूरी है, पढ़ना भी है लड़ना भी है, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, जो उनका काम है जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, आपका काम है पढ़ना, तो आप बिल्कुल स्टडी पे फोकस कीजिए, ना कि आप इधर उधर भटको, ठीक है। तो बिल्कुल स्टडी पे फोकस कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, लगभग 6 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, ठीक है। और मैं जानता हूँ इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, कि आप 6 घंटे भी पढ़ाई ना कर पाओ, ठीक है। और जो भी ये बातें कह रहे हैं मुझे स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, तो भाई आप अगर आपको स्ट्रेस है तो आप बिल्कुल पढ़ाई करोगे, कम से कम 6 आवर्स भी पढ़ाई कर पाओगे। और ये मैं ही नहीं, बिल्कुल आप जिससे भी बात करोगे आपको सभी यही बात कहेंगे कि कम से कम 6 आवर भी कम से कम पढ़ाई कीजिए आप, 6 आवर बहुत होते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, यह समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और बिल्कुल कल आशीष महेंद्र सर ने भी कहा था कि आप बिल्कुल और बिल्कुल सभी के सिर्फ व्यूज़ बढ़ा रहे हो, जो भी न्यूज़ आएंगे वो ऑफिशियली आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात से बिल्कुल अवेयर रहिए और बिल्कुल स्टडी पे फोकस कीजिए। देखिए अभी तक जो भी अपडेशन आई थी, आज भी कहा गया था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, कल भी कुछ न्यूज़ आने वाली थी, तो कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कीजिए और स्टडी कीजिए। आप सभी से मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।